आज हम फिर एक बेसिक नीड के बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि जो लोग कार रखते हैं उन लोगों को वैक्यूम क्लीनर की जरूरत होती है और घरों में भी हमें वैक्यूम क्लीनर की जरूरत होती है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ऐसे ही एक वैक्यूम क्लीनर और ब्लोवर के बारे में बताने वाला हूँ। जैसा कि आप सभी लोगों ने कई व्यूज देखे, अगर आपको एक वैक्यूम क्लीनर और एयर ब्लोअर की रिक्वायर्ड है तो आपने बहुत सारी वीडियोज देखी होंगी। फ्रेंड्स, ये वीडियो उन सबसे अलग है। अलग क्यों है वो आपको वीडियो देखने पे पता लगेगा। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ जैक मिस्टर ब्लोअर के बारे में, जो कि एक वैक्यूम क्लीनर भी है। फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स जैसा कि आप सभी लोगों ने इसका वीडियो पहले भी देख चुका होगा या नहीं देखा होगा आप लोगों ने, उसमें यही बताया गया है कि ये बहुत अच्छा ही वैक्यूम क्लीनर है, ब्लोअर है। बट फ्रेंड्स, मैं उससे कुछ हटके बताने वाला हूँ जो चीज आपको किसी ने नहीं बताई है। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले तो मैं अनबॉक्सिंग कर लेता हूँ। जैसा कि सारा सामान मैंने बाहर निकाल लिया है फ्रेंड्स, तो आपको ये दिख रहा होगा फ्रेंड्स, ये एक जैक मिस्टर का एयर ब्लोअर है, ठीक है, जो वैक्यूम का काम भी करता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसकी जो आउटलुक अगर हम देखें तो फ्रेंड्स काफी अच्छा है, लुक वाइज भी अच्छा है, कलर भी काफी अच्छा लग रहा है, ठीक है। और फ्रेंड्स आपको ये दिख रहा होगा 2.5 मीटर के करीब इसमें ये केबल भी आई हुई है जिससे हम पावर में प्लग इन कर सकते हैं। दूसरा ये फ्रेंड्स की ये जो आपको इस साइड दिख रहा है, ये साइड वाला पोर्ट है, ये सक्शन पोर्ट है, यहाँ से ये एयर को शक करता है, ठीक है। और ये है आपका एयर ब्लोअर, यहाँ से आपको ये एयर को ब्लो करेगा, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें अब देखिए फ्रेंड्स, एक ये चीज है, ये इसका बटन है फ्रेंड्स, ठीक है, जिससे ये ऑपरेट होगा। अब इसमें एक खास बात क्या दी हुई है फ्रेंड्स की, जैसे कि हमें अगर मान लो कि एयर ब्लो करनी है, ब्लोअर से कुछ क्लीन करना है या फिर वैक्यूम क्लीन करना है, तो उसके लिए इसमें एक ये सेट पॉइंट दिया गया है। जैसे ही हम इसको ऐसे दबाएंगे, ठीक है, देखिए इसको इस तरीके से दबा के रखना है, उसके बाद में इसको हल्का सा पुश कर देना है, तो क्या होगा, ये यहीं का यहीं रुक जाएगा और कंटिन्यू चलता रहेगा, हमें इसको दबाने की जरूरत नहीं है। एक बार दबा करके हम इसको यहाँ पर रोक सकते हैं। तो इस तरीके से फ्रेंड्स ये काम करता है, ठीक है। और इसमें और जब भी इसको हटाना है तो इसको दोबारा से एक बार पुश करेंगे तो ये हट जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। जैसा कि फ्रेंड्स इसमें लिखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ये 950 वाट का है और जो इसकी RPM है वो 18,000 RPM पर मिनट है, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा भारी भी नहीं है फ्रेंड्स, बहुत लाइट वेट है और इसकी जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो भी काफ़ी अच्छा है, और इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है प्लास्टिक की ये भी काफ़ी अच्छी है, अगर आपके यहाँ से गिर भी आता है तो खराब नहीं होगा। तो फ्रेंड्स अब अलग क्या है, तो अब मैं आपको वही बताने वाला हूँ कि इसमें अलग क्या है, ठीक? अब हम बात कर लेते हैं इसमें एसेसरीज क्या क्या आती है। तो फ्रेंड्स देखिए, इसमें एक तो ये आता है वैक्यूम क्लीन करने के लिए, ठीक है, पाइप, और एक ये आता है इसका अटैचमेंट जिससे कि इसको हम लंबा कर सकते हैं, इस वाले अटैचमेंट को, ठीक है। और ये दो इसके कनेक्टर आते हैं जो कि इसको लंबा करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। एक ये बैग दिया हुआ है जिसमें कि डस्ट इकट्ठा होता है और इसमें से हम आसानी से इसको क्लीन कर सकते हैं। इसमें नीचे एक चेन दी हुई है, इस चेन को खोल के हम डस्ट को बाहर निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स बैग की क्वालिटी तो आपको दिख ही रही होगी, बहुत अच्छी नहीं है। अगर फ्रेंड्स आपको एक एयर ब्लोअर चाहिए तो ये 850 रुपये का है फ्रेंड्स, और बहुत ही अच्छा एयर ब्लोअर है, इसकी पावर बहुत अच्छी है ब्लोइंग करने की, ठीक है फ्रेंड्स। जैसा कि मैं आपको अभी प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा, तो फ्रेंड्स पहले हम कुछ प्रैक्टिकल देख लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं आगे इसमें नया क्या है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम एयर ब्लोअर का देख लेते हैं कि किस तरीके से ये एयर को ब्लो करता है, मतलब कि किस तरीके से एयर देता है, कितना तेज एयर है इसका, वो हम देख लेते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा फ्रेंड्स, ये दोनों अटैचमेंट पहले इसमें हमें इस तरीके से देखिए यहाँ पे इसको लगाना होगा, ओके। तो ये फर्स्ट अटैचमेंट हमने लगा लिया है और ये सेकंड वाला लगा लेते हैं, ठीक है, ओके। तो फ्रेंड्स ये दो अटैचमेंट लगा लिए हमने, तीसरा अटैचमेंट हमारा ये वाला है, ठीक है, तो इसको भी हम लगा लेते हैं। जैसे कि ये देखिए यहाँ पे ग्रूव्स बने हुए हैं, तो इसको इस तरीके से इसमें डाल करके और इस तरीके से घुमाते हैं तो ये क्या होता है कि इसमें सेट रहता है, ठीक है। अब ये हमारा बन गया है, ओके। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए हमें क्या करना है, एयर ब्लोइंग देखनी है कि मतलब कितनी हवा दे रहा है, तो हमें क्या आगे की साइड में इसको लगाना होगा, ठीक है। सक्शन करना है तो हमें इसको यहाँ पर लगाना होगा। तो अभी हम फर्स्ट में क्या देख रहे हैं, एयर का प्रेशर देख रहे हैं, कितना प्रेशर इसमें आ रहा है, ओके। तो इसको इस तरीके से करके हमें लगा लेना है, ठीक है। अब देखते हैं इसका एयर प्रेशर कितना आता है। फ्रेंड्स इस प्लग को पावर में लगा लेते हैं और उसके बाद देखते हैं कितना प्रेशर है इसके एयर का। तो इसका एयर प्रेशर बहुत ज्यादा होने की वजह से आपको दिख रहा होगा कि दीवार पे जो कलर हुआ है उसकी कपड़े भी उखाड़ दे रहा है। तो इसका मतलब इसका जो एयर प्रेशर है वो बहुत ज्यादा है और
काफ़ी अच्छा प्रेशर होने की वजह से ये काफ़ी अच्छी तरीके से क्लीनिंग कर सकता है। तो नो डाउट ये एक बहुत अच्छा एयर ब्लोअर है। तो फ्रेंड्स हमने देखा कि रूम में अगर डस्ट है तो हम इसको किस तरीके से एयर प्रेशर से हटा सकते हैं। अब हम कार में चलते हैं फ्रेंड्स, कार में आपको मैं इसका एयर प्रेशर दिखाता हूँ कितना होता है। तो फ्रेंड्स हमने देखा कि कार में कितना प्रेशर था, अब हम देखते हैं बाहर अगर धूल मिट्टी रखी हुई हो या जमी हुई हो तो उसको हटाने में कितना ये कारगर है वो अब देख लेते हैं हम एक बार और। तो फ्रेंड्स ये हुआ हमारा एयर प्रेशर, इसमें कि कितनी तेजी से ये धूल मिट्टी को हटा सकता है, एयर प्रेशर कितना अच्छा इसमें है वो मैंने आपको दिखाया। यानी कि इसमें कोई डाउट नहीं है कि एक बहुत अच्छा एयर ब्लोअर है और बहुत ही अच्छी तरीके से एयर ब्लोइंग कर सकता है। तो फ्रेंड्स ये ब्लोअर स्पेशली कंप्यूटर वर्क जो करते हैं, जैसे सीपीयू में बहुत सारा डस्ट आ जाता है उसको हटा सकते हैं हम, ठीक है, कीबोर्ड में आ जाता है उसको हटा सकते हैं, ठीक है, इस तरीके जो वर्क होते हैं ना फ्रेंड्स, जहां बहुत सारी धूल मिट्टी इकट्ठी हो जाती है वहां पे हम एयर मार के उसको हटा सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब फाइनली वो चीज आती है जो शायद अभी तक आपने नहीं देखा होगा कि इससे नुकसान क्या है हमें, ये किस तरीके से परफेक्ट नहीं है, 100% अच्छा नहीं है, तो वो मैं अब आपको बताने वाला हूं। तो उसके लिए हमें क्या होगा फ्रेंड्स, इसके सेक्शन को देखना पड़ेगा कि किस तरीके से ये वैक्यूम क्लीन करता है। तो फ्रेंड्स उसका भी एक एक्सपेरिमेंट हम कर लेते हैं, पहले हमारे टेबल पे करेंगे, उसके बाद हम अपने कार में जाकर के वैक्यूम क्लीन करेंगे वहां पर और फिर देखेंगे ये कितना इफेक्टिव है। करने के लिए फ्रेंड्स हमें पहले ये अटैचमेंट चेंज करना होगा, जैसा कि आपको दिख रहा है इतना लंबा अटैचमेंट इसमें लगा रखा था हमने अभी, ठीक है। अब इसको हम यहाँ से खोल लेंगे, खोलने के बाद मैं आपको एक बात बता दूं फ्रेंड्स कि जब हम वैक्यूम क्लीन करेंगे तो ये इतना लंबा अटैचमेंट इसमें फिट नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये वाला अटैचमेंट जो वैक्यूम वाला है वो सिर्फ इतना सा ही उसमें लगेगा, आप इतनी ही दूरी पर वैक्यूम क्लीनिंग कर पाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका मतलब कि बहुत ज्यादा अगर अंदर डीप में कहीं कोई कचरा है तो वहां पे ये नहीं जाएगा, क्योंकि ये अटैचमेंट सिर्फ एयर ब्लोइंग के लिए काम आता है, एयर फ्लो के लिए काम आता है, सक्शन के लिए काम नहीं आता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये बात भी शायद हो सकता है कि आपने पहले नहीं सुनी होगी, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। अब देखिए वो किस तरीके से नॉर्मली ये वाला जो आगे वाला इसका है, ठीक है, इसको यहाँ पे देखिए इसमें ये एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, इन दोनों पॉइंटों को ये इन दोनों स्लॉटों में हमें इस तरीके से लेके जाना है, ये लेके चले गए, उसके बाद में हमें इसे इस तरीके से क्लॉकवाइज घुमा देना है तो ये टाइट हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब ये क्या हो गया कि आपका ये वैक्यूम क्लीनर बन चुका है, ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पे डस्ट कलेक्ट के लिए एक बैग लगेगा जो मैंने आपको ब्लैक कलर वाला दिखाया था, वो भी लगा देते हैं इसमें हम। तो फ्रेंड्स ये वाला जो बैग है वो यहाँ पे जहाँ से एयर निकलती है वहां लग जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो देखिए ये भी सिंपल है, इसमें भी दो इस तरीके से निकले हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। इसको हमें क्या करना है, इस वाले स्लॉट में डायरेक्टली इस तरीके से डाल के और ऐसे करके घुमा देना है। ये हमारा वैक्यूम क्लीनर तैयार हो चुका है, पहले प्लग इन कर लेते हैं हम इसको, वैक्यूम क्लीनर रेडी है देखिए, ओके। अब हम देखते हैं कितना पावरफुल है ये, ठीक है। देखिए ये मैंने चालू कर दिया है ओके, और आपको दिख रहा होगा कितने पावरफुल तरीके से ये अंदर सब लोग सब कुछ को ले जा रहा है, ओके। तो आपको दिख रहा होगा कि काफी पावरफुल है, लेकिन ये बड़े टुकड़े होने की वजह से इसके अंदर नहीं जा पा रहे हैं। अगर मैं इनको छोटे छोटे कर दूं तो ये सारे के सारे बहुत अच्छी तरीके से ले रहा है, तो नो डाउट कि इसका जो सक्शन पावर है वो काफी अच्छा है। लेकिन फ्रेंड्स इसमें एक बहुत बड़ी कमी है जो मैं अब आपको बताने वाला हूं। तो फ्रेंड्स इसीलिए ये वैक्यूम क्लीनर अच्छा वैक्यूम क्लीनर नहीं है, देखिए। फ्रेंड्स आप लोगों ने देखा कितने अच्छे तरीके से इसने वैक्यूम किया, लेकिन अब इसमें क्या कमी है मैं आपको बस वही बता। तो फ्रेंड्स जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है कितनी डस्ट है, और इस डस्ट को ये बहुत ही अच्छी तरीके से साफ कर रहा है, आप देख लीजिए एक बार, देखिए। अब देखिए यहाँ पे जो ये है कारपेट है जो नीचे वाला, इसको देखो कितने अच्छी तरीके से साफ कर रहा है, बहुत ही अच्छी तरीके से वैक्यूम क्लीनिंग हो रही है, और जो भी डस्ट है सारा का सारा इसके अंदर
चला जा रहा है, यहाँ पे बिल्कुल क्लीन हो जा रहा है, आपको दिख रहा होगा कलर डिफरेंस भी दिख रहा है, जहाँ डस्ट है वहाँ पर और जहाँ पर डस्ट नहीं है वहाँ पर ही। तो नो डाउट ये बहुत अच्छा। तो फ्रेंड्स अभी तक आपको ये लग रहा होगा कि मैं कह रहा था कि ये एक अच्छा वैक्यूम क्लीनर नहीं है और ये तो बहुत अच्छी तरीके से वैक्यूम क्लीन कर रहा है। तो फ्रेंड्स मैं अब आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूं जिसको आप सुन के चौंक जाएंगे, ठीक है? कैसे चौंकेंगे वो मैं आपको बताता हूं। देखिए फ्रेंड्स हो क्या रहा है कि वैक्यूम क्लीन तो कर रहा है लेकिन आपने देखा होगा इसमें, ये देखिए ये जो बैग है फ्रेंड्स ये कपड़े का है और कपड़े में बहुत सारे होल्स हैं, ठीक है? तो हो क्या रहा है फ्रेंड्स कि यहां से तो ये वैक्यूम कर रहा है और डस्ट को सारा इधर फेंक रहा है, लेकिन आपको पता है कि इधर से एयर बाहर जाती है, ठीक है, जो कि डस्ट को अपने साथ लेके जाती है। तो वो डस्ट को, डस्ट के जो पार्टिकल है फ्रेंड्स उसको प्रेशर कर रही है, ठीक है? उसको प्रेशर से क्या कर रही है, इस कपड़े के होल से बाहर भी निकाल रही है। इसका मतलब अगर हम 100% यहां से वैक्यूम क्लीन कर रहे हैं, डस्ट को अंदर भेज रहे हैं, तो यहां से लगभग 30% डस्ट आपकी दोबारा से बाहर जम जा रही है, ठीक है? कैसे जम जा रही है वो मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा फ्रेंड्स। तो इसमें सबसे बड़ी कमी यही है फ्रेंड्स कि वैक्यूम क्लीन हो रहा है लेकिन फ्रेंड्स यहां से बहुत सारी धूल डस्ट जो है बाहर निकलती है और वो दोबारा से पूरी जो भी जगह आप क्लीन कर रहे हैं वहां पे जम जाती है। जैसा कि मैं कार क्लीन कर रहा हूं फ्रेंड्स, तो कार में क्या हो रहा है कि नीचे से तो सारा खींच रहा है लेकिन फ्रेंड्स यहां से सारा इस कपड़े में से, ठीक है, इस बैग में से सारा का सारा जो डस्ट है वो सारा का सारा गाड़ी पे दोबारा से जम जा रहा है। तो मैं आपको दिखा देता हूं एक बार फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इसलिए ये अच्छा वैक्यूम क्लीनर नहीं। तो फ्रेंड्स आ गए हैं हम हमारी कार में और आपको दिख रहा होगा ये देखिए कितनी ज्यादा डस्ट को बाहर फेंक रहा है यहाँ से, जो हमारा डस्ट कलेक्टर वाला जो बैग है इससे देखिए कितनी ज़्यादा डस्ट आपको निकलती हुई दिख रही होगी, एकदम क्लियर दिखा रहा हूँ मैं आप लोगों को। और ये सारी डस्ट इकट्ठी कहाँ हो रही है, जो सीट है हमारी कार की उस पर और हर जगह हो रही है। देखिए यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा इसमें से बहुत सारे पार्टिकल बाहर आ रहे हैं। तो इस तरीके से फ्रेंड्स जितना वैक्यूम क्लीन नहीं करता उससे ज़्यादा ही गंदा कर देता है, तो ये इसमें बहुत बड़ी कमी है, इसलिए ये एक अच्छा वैक्यूम क्लीनर नहीं है। और आपको ये दिख रहा होगा कि जो ये वैक्यूम क्लीनर है इसके ऊपर कितनी सारी डस्ट जम गई है और देखिए सीट पे भी काफ़ी डस्ट जमी हुई है, ये सारा उसी के थ्रू आया है, बैग के थ्रू। तो फ्रेंड्स एक और सबसे बड़ी बात ये फ्रेंड्स कि इसकी जो नॉइज़ है वो बहुत ज़्यादा है, इरिटेट करती है, बहुत ही ज़्यादा नॉइज़ है इसकी फ्रेंड्स, जो कि नॉर्मल नहीं है, बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ आती है। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को समझ में आया होगा कि ये वैक्यूम क्लीनर घर के लिए अच्छा क्यों नहीं है। आप इससे कुछ चीज हवा के प्रेशर से हटा तो सकते हैं फ्रेंड्स, लेकिन जब वैक्यूम क्लीन करेंगे तो ये उल्टा सारा डस्ट बाहर फेंक देता है, जिसकी वजह से जितना हम क्लीन करते हैं उतनी ही गंदगी हो जाती है। तो इसलिए फ्रेंड्स ये अच्छा वैक्यूम क्लीनर नहीं है, क्योंकि इसका जो इधर वाला पार्ट है ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ठीक है? तो फ्रेंड्स आपने बहुत सारी वीडियोज देखी होंगी और इस वाले वैक्यूम क्लीनर की देखी होंगी, ये बात आपको किसी ने नहीं बताई होगी फ्रेंड्स। बट फ्रेंड्स मेरा जो एम है, मैं कोई प्रोडक्ट नहीं बेच रहा हूँ फ्रेंड्स, या मैं ऐसा सामान नहीं बेच रहा हूँ, मैं सिर्फ आप लोगों को सामान के बारे में बताता हूँ कि ये आपके लिए अच्छा है या नहीं है। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो में सच्चाई नजर आई होगी फ्रेंड्स, तो इस बात पे एक लाइक तो बनता ही है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स अगर आपको लगा हो कि मैंने ये सब कुछ ठीक बताया है तो कमेंट जरूर करें फ्रेंड्स कि ये बात सही है कि नहीं है, और अपने फ्रेंड्स को भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि उनको भी पता लग सके ये वैक्यूम क्लीनर उनके लिए कितना कारगर है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।